मौंदली पिंड मैं असी सुबह दे ही वक् वक् सरहंद तो लगे हुए हैं, फिर बसी पठाना मैं ते एम पी साहब, तो हुण असी इत्थे आए हैं। ये राजा जी वालों साडे कोल इनफॉर्मेशन सीगी कि इस पिंड च आना है। इत्थे आके हुण जिहड़े हालात है, देखो पानी जिहड़ा आया किसी का कसूर नहीं है। मैं कहां भी सरकार ने पानी छड़ता जां आम आदमी पार्टी करके पानी आया है, हाँ ये कुदरती आफत है। तो असी सारे नूं मैं बेनती की है कि आप शांति दे नाल इहदे नाल नजिठना है सारे ने रल के कि किवें नजिठिया जा सकता है। पर इस पिंड की जिहड़ी प्रॉब्लम है, इत्थे कोई आके छिपिया नहीं, कहन दा मतलब कोई वड़िया नहीं, एक अद्धी वारी कोई आके गेड़ा कढ के चला गया। हुण इहनां दी जिहड़ी प्रॉब्लम है बौंदली दी, ये पानी इत्थे स्टक हो गया, खड़ गया, गां पानी जा नहीं रहा, पानी थल्ले नूं हो नहीं रहा। सो जिन्ना चिकर पानी नैचुरल जिहड़ा फ्लो है उहदा पानी नहीं जाएगा, उन्ना चिकर इस पिंड चों पानी नहीं निकलेगा। ये कुछ कह रहे हैं, इन्हां दीआं डिमांड्स हैगीआं कि फलानी थां तों पुलियां जां कोई सड़क जां इधर उधर होके इस पानी दा तां निकलदा नहीं, पानी की निकासी नहीं होनी। सो मैं डिप्टी कमिश्नर नाल गल कीती है और मैनूं लगदा इहदे ते तवज्जो पहलां दे लैणी चाहीदी सी, क्योंकि इन्ना डैमेज नहीं होना, क्योंकि अज इन्हां नूं होण वाली फसल नहीं बचदी। कई अफसरां नूं इह भुलेखा भी इह हुण मक्की फसल बचाउण लगे जां झोना बचाउण लगे, इह कहदा बचना है? जिहड़े झोने तों पानी उत्तों दी फिर गया, मक्की दे उत्तों दी फिर गया, इह नहीं बच सकदा। ये तो अगली 6 महीनों की विचारे तैयारी, क्योंकि हुण तां पनीरियां भी नहीं मिलनियां, 6 महीनों कणक बीज लैण इन्ना ही बथेरा है। इन्हां नूं ये लगता भी इत्थे कितें मच्छी फार्म ना बन जाए, जिहड़े साडे वाहणां दे विच इत्थे पानी खड़ा ना रहे। सो मैनूं लगता कि इहो जिहे थां इहो जिहे पिंड बहुत सारे है। मैं कल पटियाले सीगा जिथे कि प्रशासन नूं नोडल अफसर लाउणा चाहीदा। हुण मैं क्यों आ के इत्थे गल सुणा, इत्थे इक नोडल अफसर इत्थे अड्डे थले कुर्सी डाह के बैठा होवे, उह नोडल अफसर आपदे डिप्टी कमिश्नर नाल गल करे कि जे कुछ होर कहिंदे आ तुसीं कुछ होर कहिंदे आ, इहदा हल कढो। जां तां फिर आ के दसन भी असीं लैवल मिल जाणे आ कि इन्ना इहदा लैवल है, आटोमैटिकली 2 फुट पानी पई, आ देख लो साडियां पुलियां तों निकासी होगी। जे उह निकासी नहीं हो रही तां किते ना किते फॉल्ट है, किन्ना चिर कि 2 महीने नहीं वेट कर सकदे पानी ना निकले। सो मैनूं लगदा डीसी ने विश्वास दवाया कि मैं इत्थे खुद आवांगी, उहनां दा इंतजार करना चाहीदा सानूं, क्योंकि अगले होर थावां ते भी गए हैं ते आपदी तकलीफ दसन, जे कोई दिक्कत आउंदी है फिर कल नूं राजा जी नूं दस के असीं दुबारे आवांगे। सो नाल ही नाल मेरी पंजाब सरकार नूं बेनती है कि कृपा करके, बहुत सारे गरीब है पिंडां दे विच लोक जिहड़े दिहाड़ी नाल आपदा निर्भर गुजारा करदे आ, उहनां वास्ते कोई राशन, उहनां नूं कोई 5 किलो दी आटे दी थैली, कोई नमक, कोई तेल, कोई चाह पत्ती, कोई किलो दाल, हजे तक मेरा ख्याल कितें नहीं कुछ होया। जिथे भी प्रशासन आउंदा है, डीसी आउंदा, बीडीपी आउंदा, उह कहिंदा सरपंचा तू ला दे पैसे असीं दे देंगे। सरपंच कोले कोई खाण लगी है? सरपंच कोले पहला मता पैंदा, फिर बैंक चों पैसे कढ़ा के लियाओ, फिर किसी ने किहने देने है? सरपंच भज्जे फिरनगे। सो इन्हां नूं नोडल ऑफिसर ला के इत्थे उहनां नूं बिठाउणा चाहीदा भी जो खर्चा आउंदा उहदे ते करो, सरपंच भी करन उह भी करन। जिथों तक कांग्रेस दा सवाल है, असीं वीरे कोई मुआवजा नहीं दे सकदे खेत, पंजाबी च इह गल दसीए भी असीं इक तां हां दा नारा मार सकदे हां, रौला पा सकदे हां, बींगे ओपोजिशन असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर तिल फुल भेटा सेवा असीं सारे आपदे कंटेस्टेड कैंडीडेट दी आपदे अहुदेदारां दी सरपंच नूं बेनती कर रहे हैं, कोई व्यक्ति भुखा ना सौवे, कोई व्यक्ति दवाई इन्नी उहना बेचारा रहे, उहदे वास्ते तिल फुल भेटा साडा कंटेस्टेड उम्मीदवार इत्थे जिहड़े हैगे आ जां साडे ब्लाकां दे प्रधान असीं हाज़र हैं। ऐसे घर कोई सरपंच साहब हैगे आ जिहड़े रोटी इन्नी उह जां राशन इन्नी उह परेशानी है किसी भी प्रकार की, तुसीं राजा जी नूं दसो असी उन्हां दा 100% असी साथ देण तैयार है। आने वाले समय च पिंड व्योत बनावे भी किदां पानी नाल नजिठिया जा सकदा, कोई 4 पैसे 10 लाख लाउण दी लोड़ है, 5 लाख लाउण दी लोड़ है। सरदार अमर सिंह जी हमेशा हाजिर है, पहलां भी इस पिंड की बहुत वड्डी जिहड़ी पीड़ा ते दर्द सी इन्हां ने दूर कीता, और मैनूं लगदा हुण भी ये हाजिर ने, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे जो साढ़े हाथ वास। एक सवाल सी जी, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तुहाडे जिहड़े एक तो एक करके, हाँ जी, एक वन बाय वन तुहाडे जिहड़े लीडर्स हैगे आ, ओह करप्शन केसेस, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अज पानी का मुद्दा है, असीं भगवंत मान जी नाल नजिठना, सुनो नजिठना जानते हो, नजिठ लवांगे। ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ,
7 करोड़ का ओरे च वाधा हो गया, 300 गुणा ओरे च वाधा हो गया, कोई पागल थोड़ी है जी। 40-40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜੀ 1%। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਘਰ ਮਿਲ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਲਓ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਲਓ ਜੀ। 30-30 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲਣਾ ਹੋਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, 6 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਐਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਵੀ